रुद्रपुर के आजाद नगर में जहरीली गैस के रिसाव से कई लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया। जहरीली गैस की चपेट में आए 32 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं रेस्क्यू अभियान चलाते एसडीएम सहित अन्य जवान आने से प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि जिन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, वहीं बताया जा रहा है कि कबाड़ की दुकान से एक सिलेंडर से गैस रिसाव हुआ था। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। यहाँ पे कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा था और इस तरह का सिलेंडर ले आया, तो नॉर्मली आबादी में नहीं लाया जाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और क्या है कि रेजिडेंशियल एरिया, तो इसमें इस तरह की गतिविधियाँ प्रतिबंधित की जाएंगी और आज से इस तरह का अभियान चलेगा। और उसके साथ साथ क्योंकि ये छोटा एक इंसिडेंट है, तो इससे भी हम लर्निंग लेंगे, क्योंकि मेजर हमारे जितने रेस्क्यू टीम्स गई थी वो भी इसके कॉन्टेक्ट में आई है। देखिए, अर्ली मॉर्निंग एक सूचना आई कि एक कहीं पे एक ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक सिलेंडर जो है लीक हो गया करके। वो प्रथम दृष्टया क्लोरीन गैस का सिलेंडर था, तो स्क्रैप यार्ड में कैसी आई वो सब तो जांच का विषय है, बट क्लोरीन के वजह से जो है तो आसपास के इलाकों में थोड़ा सा फैलने लग गया, तो लोगों को कंजेशन, आंखों में जलन, वो सब शुरू हो गई।